नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, स्वागत करता हूं सभी का टेक्निकल के स्मार्ट में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप अपने यूट्यूब चैनल के प्रोफाइल को कैसे रिमूव कर सकते हैं और कैसे डिलीट कर सकते हैं परमानेंटली। जैसा कि दोस्तों अगर आप यूट्यूब पे प्रोफाइल जैसे आप लगा देते हैं, आपका प्रोफाइल कोई गलत तरीके से लग जाता है या फिर कोई इस प्रोफाइल में कोई दिक्कत होने की वजह से आप उस प्रोफाइल को परमानेंटली हमेशा के लिए डिलीट करना चाहते हैं, तो किस तरीके से डिलीट करना होता है आपको नहीं पता होता। दोस्तों किस तरीके से डिलीट करना है इस वीडियो में आपको सारी प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बताए हुए हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा लास्ट तक वॉच कीजिएगा जिससे कि आपको पता चल जाए कि यूट्यूब प्रोफाइल परमानेंटली कैसे डिलीट कर सकते हैं। उससे पहले अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको प्रोफाइल डिलीट करने के लिए अपने मोबाइल फ़ोन के जरिए ही सिंपल तरीके से आपको गूगल क्रोम को ओपन कर लेना होगा। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे में गूगल क्रोम ओपन हो चुका है। गूगल क्रोम ओपन होने के बाद दोस्तों आपको सिंपल तरीके से क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर यूट्यूब सर्च करके यूट्यूब ओपन कर लेना होगा। जैसा कि मेरे में यूट्यूब है तो यहाँ पर मैं यूट्यूब को सर्च कर लेता हूँ, या फिर यूट्यूब को आपको सर्च भी कर सकते हैं, नहीं तो आपको सामने अगर यूट्यूब वहाँ पर दिख जाएगा यूट्यूब लिखा तो वहाँ पर आप क्लिक करके उसे ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा चैनल ओपन हो जाएगा। जितनी हमारे यूट्यूब यहाँ पर सिंपल तरीके से जैसे पीसी और लैपटॉप में ओपन होता है उसी तरीके से हमारे फ़ोन स्मार्टफोन में ओपन हो जाएगा। तो उसके लिए सबसे पहले अगर आपके मोबाइल में नहीं ओपन हो रहा है स्मार्टफोन के पीसी की तरह, तो आपको सिंपल तरीके से ऊपर में थ्री डॉट का ऑप्शन मिल जाएगा। थ्री डॉट पे जैसे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर नीचे पे डेस्कटॉप साइड का ऑप्शन मिल जाएगा। डेस्कटॉप साइड का मतलब ये होता है दोस्तों कि आपका जो यूट्यूब का चैनल होता है आपका पीसी और लैपटॉप के तरीके, जैसे पीसी और लैपटॉप में आपका वेबसाइट ओपन होता है यूट्यूब का, उसी तरीके से आपका इसमें ओपन हो जाएगा मोबाइल फ़ोन में। तो सिंपल तरीके से आपको रिमूव करने के लिए, अपने प्रोफाइल को रिमूव करने के लिए सिंपल तरीके से दोस्तों अपने प्रोफाइल पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर हम जूम करके आपको दिखा देते हैं, इस प्रोफाइल पर क्लिक कर लेना है। जो प्रोफाइल अपने फ़ोटो या प्रोफाइल जो भी लगाया हुआ है उस पर क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, अपने योर चैनल का ऑप्शन मिल जाएगा सबसे ऊपर, तो योर चैनल के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना होगा। तो जैसे आप योर चैनल पर क्लिक करेंगे दोस्तों, उसके बाद आपको कुछ इस प्रकार का ऑप्शन मिल जाता है। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार का ऑप्शन में आपको कस्टमाइज चैनल और मैनेज यूट्यूब मैनेज वीडियोस का ऑप्शन मिल जाएगा। तो हमें कुछ करना नहीं पड़ेगा, आपको सिंपल तरीके से यहाँ हमारे में यस दिख रहा है इसमें, तो इस प्रोफाइल पे सिंपल तरीके से क्लिक कर देंगे। जैसे जहाँ पर आपको यस लिखा दिख रहा है उसी पर क्लिक कर देना है, या फिर यहाँ पर प्रोफाइल शो होता है उसमें हमारे पे प्रोफाइल नहीं शो हो तो उस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर प्रोफाइल यहाँ ब्लेंडिंग का ऑप्शन ओपन हो जाएगा सिंपल तरीके से, और आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन बगल मिल जाएगा और लेआउट का। तो आपको ब्लेंडिंग में ऑप्शन में क्या क्या मिलता है दोस्तों, आप देख सकते हैं प्रोफाइल का ऑप्शन मिल जाएगा, बैनर इमेज का मिल जाएगा और वीडियो वाटरमार्क का। तो हमें सिंपल तरीके से यहाँ प्रोफाइल पिक्चर पे देख रहे हैं सबसे ऊपर का ऑप्शन, यहाँ पर आपको चेंज का ऑप्शन मिल जाता है और रिमूव का ऑप्शन मिल जाता है। तो आपको सिंपल तरीके से रिमूव करने के लिए रिमूव का ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ ऊपर से देख रहे हैं प्रोफाइल का आइकन मिट जाएगा, आपको सिंपल परमानेंटली ये रिमूव हो जाएगा आपके मोबाइल पर, तो आप दोबारा दूसरा न्यू लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको सिंपल तरीके से फिनिश पे कर देंगे, फिनिश पे यहाँ फिनिश का ऑप्शन ऊपर दिख जाएगा आपको। तो फिनिश का ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको सिंपल तरीके से आपका जो है आपका बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। कुछ इसी तरीके से आप सिंपल और आसान वे में बैकग्राउंड को इरेज कर सकते हैं या फिर रिमूव या फिर डिलीट कर सकते हैं परमानेंटली। तो आई होप दोस्तों वीडियो आपको इंटरेस्टिंग और नॉलेज लगा, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखें, मिलते हैं अगले वीडियो में।